सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर जी में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि गाइस, अगर आप किसी का भी फोन पे अकाउंट अपने फोन में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी दूसरे का फोन पे अकाउंट अपने फोन पे में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन लॉगिन नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता कि कैसे लॉगिन किया जाता है। क्योंकि गाइस, जब आप वेरीफाई करेंगे तो अब उनका बैंक अकाउंट आपके फोन में काम नहीं करेगा। तो आज किस उनको बताने वाला है कि गाइस, आप किसी का भी आप फोन पे अकाउंट अपने फोन पे में आप लॉगिन कैसे करेंगे या आप कैसे चलाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आपके फोन में फोन पे एप्लीकेशंस होना चाहिए और गाइस, आपको जो फोन पे अकाउंट है उसको आपको लॉग आउट कर देना है। तो चलिए गाइस, हम आपको पूरा लाइव प्रूफ करके आपको बताते हैं, करके दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल को इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने फोन पर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अपने फोन पर एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके से अपने फोन पे अकाउंट को जब ओपन कर लेंगे तो आपको फोन पे अकाउंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आपके फोन में फोन पर एप्लीकेशन नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन पर एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप वहां से फोन पर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में अब आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन मिला, आपको लॉग आउट क्लिक करना है। लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने अकाउंट को लॉगआउट करना। लॉगआउट करने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे यूज ए डिफरेंट नंबर पे क्लिक करके गाइस, आप जिसका फोन पे अकाउंट आप लॉगिन करना चाहते हैं आपको उसका नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए गाइस, हम तो क्या करेंगे, उसका नंबर यहाँ पे डाल देंगे। नंबर डालने के बाद में आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अगर आप उसके नंबर पे पासवर्ड सेट किए तो अपना पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर पासवर्ड सेट नहीं किए तो आपको अदर्स लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। उसकी मॉल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पे अदर्स लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपको लॉगिन विद ओटीपी क्लिक करना है। उसके बाद में सामने वाले बंदे के मॉल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। आप जैसे ओटीपी आप यहाँ पे डाल देंगे तो आप इसमें अपने फोन पे अकाउंट में सक्सेसफुली आप लॉगिन कर सकते हैं। सक्सेसफुली आप अपने फोन पे में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो फाइनली गाइस, इसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं लेकिन गाइस, आपका बैंक अकाउंट भी यहाँ पे दिखाएगा कि उसके फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट ऐड है कि नहीं है। अगर उसका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो दिखा रहा है कि ऐड कि नहीं है तो आप पेमेंट नहीं कर सकते उसके बैंक अकाउंट से। जब गाइस आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको वहां पे वेरीफाई करने के ऑप्शन आएगा, तो आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तब आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। केवल गाइस आप उसके फोन पे अकाउंट को आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और पैसा उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको पसंद आई हो। जब पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।